विकास, बदलाव, तरक्की, ये ऐसे शब्द हैं जिसको सुनकर ऐसा लगता है कि देश आगे बढ़ रहा है। चारों तरफ तरक्की है, लेकिन आज हम आपको तरक्की के एक ऐसी तस्वीर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक कैसा विकास है। यूं तो बुंदेलखंड अपनी बदहाली और विकास के नाम पर पिछड़े इलाके के रूप में जाना जाता है, लेकिन स्थिति इतनी बद से बदतर हो जाएगी जिसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है, वो भी आज के समय में जब हम चांद पर पहुंच गए हों, 4G का जमाना हो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो। ऐसा दौर है तब भी इस इलाके के लोग बिजली, पानी और सड़क के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सरकार चाहे लाख दावे करे, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये तस्वीर है। चलिए पहले आपको लेकर चलते हैं छतरपुर जिले के पहाड़ गांव में। इस गांव के लिए आज भी सड़क, बिजली सपने जैसा है। लोग आज भी सैकड़ों वर्षों पुरानी जीवन शैली जीने के लिए मजबूर हैं। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार ने इस इलाके को अपने विकास वाली लिस्ट से ही गायब कर दिया है। स्कूल जाने के लिए बच्चे घर से तो निकलते हैं, लेकिन कब क्या हो जाए, स्कूल पहुंच पाएंगे या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। सड़कों के नाम पर यहाँ सिर्फ गड्ढे हैं। यहाँ दो पहिया वाहन तक प्रवेश नहीं कर पाते, पैदल चल के जाना भी दुश्वार है। हद तो तब हो जाए जब किसी की तबीयत खराब हो जाए, उसे पीठ पर बांधकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। लोकसभा चुनाव के पहले का एक वादा याद है आपको? दरअसल वो वादा नहीं, दावा था। पूरे देश में घर घर बिजली पहुंच गई, ये दावा था देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। खैर, उनके दावे को छोड़िए, तस्वीरों को देखिए, सच्चाई क्या है आपको पता चल जाएगा। बिजली तो मिल गई, वो भी सिर्फ कागजों में। अब बात करते हैं पानी की। सूखे की मार से बुंदेलखंड पहले से बेहाल है। लोग यहाँ बूंद बूंद के लिए मोहताज हैं। हैंडपंप के लिए आवेदन दिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बुंदेलखंड की बदहाली ऐसी है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। उम्मीद थी यहाँ भी विकास की गंगा बहेगी, लेकिन वो जो वोट लेने आए थे वो भूल गए। शायद उनको अपने वादे याद नहीं हैं, शायद वो इस इलाके को अपनी विकास वाली लिस्ट से गायब कर चुके हैं।